भारत के लिए युद्ध का एक नया मोर्चा तैयार हो चुका है। अब भारत को दो फ्रंट नहीं, तीन फ्रंट वार लड़नी पड़ेगी। नमस्कार दोस्तों, नेपाल कालापानी लिपुलेख को तो वापस मांग ही रहा है। इसके साथ साथ नेपाल 60,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन और भारत से मांग रहा है, और नेपाल ये बातें संयुक्त राष्ट्र संघ में लेकर चले गया है। आपको शायद पता न हो, लेकिन नेपाल 60,000 स्क्वायर किलोमीटर भूमि और भारत से मांग रहा है, उस पर दावा कर रहा है। और नेपाल में फणिन्दर नाम के एक आदमी है, फणिन्दर नेपाली नाम के, उन्होंने ये मोर्चा संभाल रखा है और कहा है कि भारत नेपाल मैत्री संधि से धारा 1 और 8 यदि हटा देगी गवर्नमेंट, नेपाल की गवर्नमेंट, तो हम भारत के खिलाफ सशस्त्र आंदोलन छेड़ेंगे, जैसे कि पाकिस्तान ने छेड़ रखा है। आप सोचते होंगे कि शायद ये चाइना करा रहा है, तो आप बिल्कुल गलत सोचते हैं। चाइना थोड़ा भी नेपाल को भारत विरोधी आंदोलन छेड़ने के लिए नहीं उकसा रहा है, बिल्कुल आप गलत सोचते हैं। मैं भी उतना ही भारत भक्त हूँ जितना आप हैं, और मैं भी उतना ही मोदी भक्त हूँ जितना जो लोग मोदी भक्त हैं, उतना ही मैं भी मोदी भक्त हूँ, ठीक है। आप हमारे दूसरे चैनल की वीडियो पे देख सकते हैं, 6 महीने 7 महीने पुरानी वीडियो, हमने मोदी की बहुत सारी तारीफें की हैं। तो मान सकते हैं आप कि मैं भी देशभक्त अखंड भारत का पक्षधर हूँ, लेकिन या किसी भी कम्युनिस्ट विचारधारा का पोषक नहीं हूँ। तो चीन ने नेपाल को भारत के खिलाफ ये जमीन वापस मांगने के लिए नहीं भड़काया है। चीन तो अपना ही डरा हुआ है कि कहीं नेपाल ग्रेटर नेपाल नाम का जो अभियान है उसको चालू न कर दे, क्योंकि नेपाल यदि ग्रेटर नेपाल नाम का एक अभियान चालू करता है तो उस अभियान के अंतर्गत है कि भारत से पूरा उत्तराखंड और सिक्किम वापस मांगना। ये हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा तक ये जमीन है, ये नेपाली लोगों के दावे में है। तो चीन इसलिए डरा हुआ है कि अगर ग्रेटर नेपाल नाम का अभियान चालू होता है तो भारत तुरंत फ्री तिब्बत मूवमेंट को सपोर्ट कर देगा। वैसे भी भारत में इस समय एक मजबूत सरकार है, यदि नेपाल से ग्रेटर नेपाल नाम का मिशन चालू होता है तो फाइनल है, भारत फ्री तिब्बत मूवमेंट को चालू कर देगा। इसलिए चीन भी डरा हुआ है कि कहीं नेपाल ज़्यादा भारत विरोध में न उतर जाए, क्योंकि नेपाल भारत विरोध में उतरेगा तो भारतीय मीडिया में केवल एक ही चीज़ दिखाई जाएगी कि चीन के इशारे पर ऐसा हो रहा है। दोस्तों, ये चीन के इशारे पर बिल्कुल नहीं हो रहा है। चीन तो अपना ही डरा हुआ है कि कहीं फ्री तिब्बत मूवमेंट भारत चालू न करवा दे, इसलिए चीन फ्री उत्तराखंड यानी ग्रेटर नेपाल अभियान में, मिशन में नेपालियों का साथ नहीं दे रहा है। और दूसरी बात यह है कि यदि आप सोचते हैं कि नेपाल कम्युनिस्टों के कब्जे में है तो भी आप गलत सोचते हैं। यदि आप सोचते हैं कि नेपाल चाइना के कब्जे में है तो यहाँ पे आप बिल्कुल गलत सोचते हैं। नेपाल में या नेपाल कम्युनिस्टों के कब्जे में होता तो नेपाल कभी भी लोकतांत्रिक देश नहीं बनता। इस बात को अपने दिमाग में रख लीजिए कि नेपाल यदि कम्युनिस्टों के कब्जे में होता या कम्युनिस्टों के बोलने पे चलता तो नेपाल में बहुदलीय शासन प्रणाली नहीं होती, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली नहीं होती। और नेपाल कम्युनिस्ट देश होता, एक दलीय शासन प्रणाली होती और नेपाल में आज भी राजा होता। नेपाल में कम्युनिस्ट को पैदा करने में सबसे बड़ी भूमिका राजीव गांधी ने निभाई है। 1990 में भारतीय कांग्रेस ने कम्युनिस्टों को पैदा किया नेपाल में। इसके संबंध में हम आपको पूरी डिटेल बताएंगे अगले वीडियो में, दूसरे चैनल पे वो वीडियो हमने बना रखी है। तो आप समझे कि कम्युनिस्टों को पैदा करने में भारत का सबसे बड़ा हाथ है नेपाल में। हो सकता है भारत के लोग यकीन नहीं करें, लेकिन 100% ये बिल्कुल सच है कि कम्युनिस्टों को नेपाल में भारतीय कांग्रेस पार्टी ने पैदा किया था। राजीव गांधी ने इसकी नींव रखी थी मदन भंडारी नाम के एक नेपाली नेता के जरिए। हालांकि मदन भंडारी फिर राजीव गांधी के विरोधी हो गए थे, लेकिन तब तक राजीव गांधी की मौत हो गई थी। तो आज नेपाल के इस समय जब से कालापानी विवाद चालू हुआ है, पहले पूरे नेपाली ग्रेटर नेपाल को सपोर्ट नहीं करते थे। नेपाली लोग कहते थे चलो कोई बात नहीं, अब भारत के पास है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन
अब नेपाली लोग कहने लग गए हैं सॉरी दोस्तों, तो पहले नेपाली लोग कह रहे थे कि चलो कोई बात नहीं, भारत के पास में है तो कोई दिक्कत नहीं है, लगभग 50-60% नेपाली यही कहते थे ग्रेटर नेपाल के बारे में। लेकिन जब से काला पानी लिपुले का विवाद हुआ है तब से 90% नेपाली कहने लग गए हैं कि अब हमको ग्रेटर नेपाल चाहिए ही चाहिए, इसके लिए हम भारत के खिलाफ सशस्त्र आंदोलन छेड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि ये मुद्दा केवल नेपाली जनता के बीच में हो, ये अंतर्राष्ट्रीय अदालत UNO में भी जा चुका है। तो आज सारा नेपाल भारत के खिलाफ हो गया है और भारत से अपनी 60,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन मांग रहा है और 2,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन लगभग और है, टोटल मिला के 62,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन नेपाल भारत से वापस मांग रहा है। पहले ये 60,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन वापस मांगने में सारे नेपाली सपोर्ट नहीं करते थे, अब सब नेपाली लोग सपोर्ट करने लग गए हैं ग्रेटर नेपाल जो मिशन चल रहा है उसको। अब थोड़ा सा ये जानिए कि ग्रेटर नेपाल है क्या। 1768 के बाद नेपाली राजा पृथ्वीनारायण शाह ने सिक्किम को कब्जा किया, उत्तराखंड गढ़वाल को कब्जा किया और इनकी सेनाएं कांगड़ा तक हिमाचल प्रदेश पहुंच गई थी, ठीक है। तो ये भूमि इनके अंडर में आ गई थी। हालांकि इन्होंने ल्हासा तिब्बत को भी कब्जा किया और 2 बार चाइना से भी युद्ध किया, चाइना और तिब्बत मिक्स सेनाओं से। तो चाइना ने इनको 50,000 रुपये जुर्माना दिलवाया तिब्बत से और तब जाके नेपाल और तिब्बत की लड़ाई या नेपाल चाइना की लड़ाई बंद हुई और उनकी संधि हुई। इस पर दूसरी वीडियो बनाएंगे। तो आप मान के चलें कि नेपाल ने एक समय में पूरे तिब्बत को भी हरा दिया था और गढ़वाल कुमाऊं सिक्किम इन सबको हरा दिया था, इन पे कब्जा कर लिया था। तो तिब्बत तो 50,000 रुपये के लिए वापस दे दिया गया, लेकिन गढ़वाल सिक्किम कांगड़ा तिस्टा को मिला के नेपाल की टोटल भूमि हुई थी 205,000 स्क्वायर किलोमीटर। इसके बाद फिर 1815 में सुगोली संधि होती है, अंग्रेजों से युद्ध होता है तब, यानी कि 1768 से और 1815 तक नेपाल ने सारी भूमि का एकीकरण किया और इसको नेपाल बनाया। तो ये टोटल भूमि हो जाती थी 205,000 स्क्वायर किलोमीटर। फिर अंग्रेज आते हैं, अंग्रेजों से और नेपालियों के बीच में 5 युद्ध होते हैं, जिसमें 3 युद्ध गोरखा लोग शुरुआत के जीत जाते हैं और गोरखा लोगों ने 3 युद्धों में काफ़ी बुरी कंडीशन से अंग्रेजों को हराया है। यानी नाला पानी वार में 3500 अंग्रेज सैनिकों को शहीद कर दिया था नेपाली सेना ने। यानी कह सकते हैं कि अपने समय में ये भी काफ़ी पावरफुल रहे हैं नेपाली लोग या गोरखा लोग। तो लास्ट के 2 युद्ध जब नेपाल हार जाता है तो सुगोली संधि होती है 1816 में। उस संधि के मुताबिक नेपाल को अपना 60,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी को देनी पड़ती है और वो 60,000 स्क्वायर किलोमीटर भारत की भूमि बन जाती है आज। तो उसी 60,000 स्क्वायर किलोमीटर जो जमीन है उसी को वापस करने के लिए 20 साल या 18 साल पहले नेपाल में ग्रेटर नेपाल बनाने की एक मांग उठी थी छोटे स्तर पर, ठीक है। उसको सपोर्ट किया था, शुरुआत किया था फणेंद्र नेपाली ने। अब वो मांग बहुत ही तेज हो चुकी है, लगभग 90% नेपाली ग्रेटर नेपाल को सपोर्ट करने लग गए हैं। यानी कि वो कहते हैं हमें ग्रेटर नेपाल बनाना है, यानी हमें सिक्किम उत्तराखंड और कांगड़ा तक नेपाल में मिलाना है। इसके लिए सारे नेपाली बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, रेडी हो चुके हैं। जैसे पाकिस्तान की जनता भारत के खिलाफ लड़ने को हर समय तैयार है, ऐसे ही अब नेपाली जनता भी हो गई है। काला पानी लिपुलेख विवाद से पहले नेपाल की सब जनता भारत के विरोधी नहीं थी और न ही भारत से लड़ना चाहती थी, लेकिन अब नेपाली जनता भारत से लड़ना चाहती है और अपनी भूमि बोलती है जो हमारी भूमि है जिस पे दावा करती है वो वापस मांग रही है। इसमें जो सबसे ज़्यादा सकारात्मक पहलू है वो ये है कि नेपाली जनता भारत की जनता की विरोधी नहीं है, नेपाली जनता केवल और केवल भारत सरकार की विरोधी है। कांग्रेस ने नेपाल में राजशाही के अंत के लिए बहुत सारी कोशिशें की, नेपाल को लोकतंत्र देश बनाने में कांग्रेस का सबसे बड़ा हाथ है। तो नेपाली जनता का मानना है कि ये भारत सरकार ने बहुत गलत किया, हमारे यहाँ राजा ही ठीक था। तो वो कांग्रेस को अपना दुश्मन मानती है नेपाल की जनता। अब आए मोदी, मोदी जैसे ही आए तो उन्होंने 2015 में ब्लॉकेट कर दिया,
और 6 महीने तक नेपाल में कोई सामान नहीं गया। लगभग 7500 रुपये में एक सिलेंडर उस समय नेपाल में मिल रहा था। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 300 रुपये हो गई थी उस समय नेपाल में। फिर भी गोरखा लोगों ने अपना संविधान चेंज नहीं किया। भारत का कहना था मोदी का कि सेकुलर संविधान क्यों लगाए हो, क्योंकि भारत नहीं चाहता था कि नेपाल में सेकुलर संविधान लगे जो कि भारत में लगा हुआ है, क्योंकि सेकुलर संविधान कहीं ना कहीं भारत के लिए नुकसानदायक बना हुआ है। वैसे ही सेकुलर संविधान नेपाल के लिए कहीं नुकसानदायक न हो, ये सोच के मोदी ने ब्लॉकेट किया ताकि नेपाली सरकार उस संविधान को हटाए। लेकिन नेपाल की जनता इस चीज़ को नहीं समझ पाई, जनता इन चीज़ों को नहीं समझ पाती है, और तब से नेपाली जनता मोदी की घोर विरोधी हो गई है। और जब से ये भारत ने काला पानी लिपुलेख का नक्शा जारी किया है, तब से नेपाली जनता और ज़्यादा विरोधी हो गई है भारत की। और अब वो पूरे क्षेत्र यानी पूरे 60,000 स्क्वायर किलोमीटर को वापस मांगने लग गई है। यानी कि भारत के खिलाफ ये एक युद्ध का दूसरा मोर्चा तैयार हो चुका है। धन्यवाद। बाकी बातें अगले भाग में करते हैं।